बुद्धि मानी। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ताकतवर था। चलते फिरते जानवरों को कभी भी मार डालता था, इसलिए सब उससे डर कर रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलवाई और आपस में कुछ सलाह की। अगले दिन सभी जानवरों की तरफ से एक लोमड़ी शेर के पास जाकर बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम चाहते हैं कि आपको शिकार में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम में से रोज एक जानवर आपकी सेवा में आता रहेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यह ध्यान रखना कि मेरे भोजन में देर हुई, मैं सब जानवरों को मार डालूंगा। सब जानवर बोले, जी महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। समझौता होने के बाद सब जानवर खुशी-खुशी अपने घर लौट आए। रोज एक-एक जानवर अपनी बारी-बारी आने पर शेर के पास जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। बीच में एक कुआं देखा। उसने कुएं में झांक कर उसे एक तरकीब सूझी। धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से लाल होकर बैठा। शेर ने खरगोश से कहा, क्या रे छोटे खरगोश, तू इतना देरी से क्यों आया? क्योंकि तेरे को मेरा डर नहीं, खरगोश बोला। महाराज, गुस्सा मत होइए, आप मुझे जो दंड देना चाहते हो दे दो, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। शेर गरज के बोला, बोल क्या कहना है? खरगोश बोला, महाराज, मैं घर से तो ठीक समय से निकला था, परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर गया। उसने मुझे वहीं रोक लिया। वो कह रहा था कि आज से जो जानवर उसके अधीन है, इस जंगल का राजा है हम सब। लेकिन मैं वहां से किसी तरह भाग निकला और आपके पास आ। शेर को एकदम गुस्सा आ गया। कार भरते हुए बोला, अच्छा उसकी यह हिम्मत, चल मेरे साथ, उसे भी मैं अभी ठीक करता हूँ। रास्ता दिखाने के लिए शेर से आगे चलने लगा। वह शेर को उसी कुएं के पास ले गया। खरगोश बोला, महाराज, अभी अभी तो वो यही था, लगता है आपके डर से कहीं छिप गया है। और ऐसा कहकर खरगोश कुएं में झांकने लगा। थोड़ी देर कुएं में झांकने के बाद खरगोश बोला, महाराज, वह शेर इस कुएं में छिप गया है, आइए आप खुद देख लीजिए। शेर
कुएं में झांकने लगा। पानी में उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई को अपनी दूसरे शेर समझा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में आवाज गूंजी। उसे खुद की आवाज वापस सुनाई दी तो शेर को विश्वास हो गया कि वह यह दूसरी शेर की आवाज है, इसलिए वो गुस्से से उसकी परछाई की ओर कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लौटा। उसने यह घटना सब जानवरों को बुलाकर सुनाई। शेर के मरने की खबर सुनकर सब जानवर खुशी से नाचने कूदने लोग सब ने मिलकर खरगोश को अपना राजा मान लिया। उसने माना, सब जानवरों को बोला, जो काम ताकत से नहीं बुद्धिमानी से हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।